hello friends welcome to cc gurukul lectures dear friends here we are here for you and today we are going to talk on one of the interesting topics that is how to become an entrepreneur dear friends this is our special segment on career counseling where we cater to your needs because we believe that you believe in having a successful career and in your success we Want to become a partner, friends? So this interesting topic would be carrying out different aspects, different insights. And for this discussion on the topic, we have with us in our studios, Mr. Bharat Bharadwaj. Mr. Bharat Bharadwaj is an eminent career counselor, and through him, every time we get get insight into different topics. So let's welcome our guest, Mr. Bharat Bharadwaj, once again. Hello, sir. Welcome to the lecture. Namaskar. Thank you. Thank you for inviting me here once again. Hello. आ, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आकर ऑडियंस से बात करना आपके जो दर्शक हैं मैं जानता हूं कि यूनिवर्सिटी के छात्र हैं उनको कैसे कैसे मार्गदर्शन करना है ये हमारा सौभाग्य है कि आप मेरे को बार बार अवसर देते हैं इस चीज का तो आज का टॉपिक जो है एंटरप्रेन्योरशिप हाउ टू बिगन माय एंट्रप्रनोर इसका अर्थ यानी कि उद्यमशीलता तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे क्यों हम आ, इस इनक्रेज कर रहे हैं आज अगर देश देखेंगे आप हमारा भारत आज तीसरे नंबर पर पहुंच गया है स्टार्टअप के उसमें जो एंटरशिप एंटरप्रेनरशिप है उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि हम कुछ एग्जांपल्स में आज को देना चाहूंगा कि कैसे ये जर्नी चलती है कैसे ये आपको क्या चीज है जो एंटरप्रेनर बना सकती है तो मैं इस जो हमारे स्क्रीन पर लोगो है ये बता सकते हैं क्या है जी हाँ काफी लोग जानते हैं ये गूगल मैप्स का लोगो है लेकिन इस गूगल मैप्स की शुरुआत कैसे हुई इसके बारे में बताना चाहूंगा कि एक जब आ, 2000 के आसपास 1999 से 2000 तक जो है मैप्स इस तरह का दिखाई देता था जबकि अगर आप उसको आ, किसी लोकेशन को ढूंढना है तो जो आप चित्र देख रहे हैं उसमें आपको लोकेशन डालनी है और अब डिस्टेंस वगैरह बताता था वो तो आप को करीब करीब पंद्रह मिनट लग जाता था एक लोकेशन को वापस लाने में इसमें तो इतने में लोग कहते थे आप कॉफी पी करा सकते हैं इसको बोलते थे डब्ल्यू 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 मीन्स वर्ल्ड वाइड वेट गॉर्डन जो है जिन्होंने इसको बोला कि यह बहुत ही इतिहास से पहले की बात है यानी कि इट वॉज प्री हिस्टोरिक यू क्लिक ऑन मैप एंड मेड ए कप ऑफ कॉफी एंड देन कम बैक फिर भी आपका मैप वो ढूंढ ही रहा होता था कि कहाँ कौन सी लोकेशन है तो प्री लोकेशन प्री गूगल मैप सेरा जो था ऑनलाइन वॉज डोमिनेटेड बाय मैप मैपक्वेस्ट उसमें ये कैटोग्राफिकली बिजनेस था जिसको अमेरिका ऑनलाइन ने एओएल ने उसको खरीद लिया था बाद में अब उसी समय कुछ यंग लोग डेनमार्क से कुछ ऑस्ट्रेलिया आए और कुछ लोग ऑस्ट्रेलिया में थे तो उन्होंने एक कंपनी शुरू की जिसका नाम था वेयर टू टेक्नोलॉजीज 2003 में वो लोग अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया डेनमार्क से यूरोप से आए और ये चार लोग शिकार बने जो बबल बस्ट हुआ था 2000 में चार लोगों की जॉब चली गई तो चारों ने मिलके जो छोटा छोटा सा काम कर रहे थे उसके ऊपर मैपिंग के ऊपर कि कैसे लोकेशंस क्रिएट किए जाएं तो उसमें दो भाई थे लार्स एंड जेन्स रेसमुजेन ये दोनों भाई डेनमार्क से आए थे डेनिश थे और दो लोग ऑस्ट्रेलिया में थे जिसमें एक में थे स्टीफन मा और एक का नाम था नोएल गार्डन गॉर्डन तो नोएल गॉर्डन का एक फ्लैट था वहां अमेरिका सिडनी में जिसमें वो और उनकी वाइफ रहते थे उसमें एक रूम में इन्होंने अपना ऑफिस बनाया और वाइफ ने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि आप सिर्फ दस बजे से पांच बजे तक इस कमरे को यूज कर सकते हैं एज ऑफिस और उसके बाद जो है कि आपको अपना ऑफिस बंद करके इसको घर में वापस तब्दील करना पड़ेगा कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है तो चार लोगों ने मिलकर ये मैप बनाया और उस समय गूगल के जो फाउंडर्स हैं वो काफ़ी नई नई चीज़ों को ढूंढ रहे थे तो वो इन तक पहुंच गए और उन्होंने उस कंपनी को 2004 में एक्वायर कर लिया बिफोर ज्वाइनिंग स्टीफन मा वॉज वर्किंग एज ए पेट्रोल स्टेशन नौकरी चली गई थी उनकी कंप्यूटर से लेकिन वो पेट्रोल स्टेशन पे, पे पेट्रोल भर रहे थे नोएल गॉर्डन जो है वो अपने ससुर की फैक्ट्री में कम, कपड़ा काटने का, का काम कर रहे थे जेन्स व्यूमिसिन अपनी माँ के जो जिसको बोलते सोफे वहां पर सोए रहते थे डेनमार्क पे तो उनके पास काम नहीं था बेरोजगार थे लेकिन जब ये मैप जब चारों लोग इकट्ठे हुए उन्होंने कोशिश की और उसको मैप बनाया तो आज जिसको आप देख रहे हैं प्रैक्टिकली अगर आपके पास मोबाइल है हर व्यक्ति गूगल मैप्स यूज कर रहा है तो एक छोटा सा आइडिया कहाँ से कहाँ पहुंच गया कि आप ये देखिए कि हर व्यक्ति की जरूरत को देखना परखना और उसके हिसाब से प्रोडक्ट को बनाना ये आप ये देखिए ये जब वो उस फ्लैट में रहते थे तो ये उनका बोर्ड था कि कैसे किस चीज को कैसे बनाएंगे कहाँ कैसे करेंगे इन्वेस्टर कहां से लाएंगे वगैरह वगैरह ये वाइट बोर्ड उनके घर के बाहर लगा हुआ था एक रूम के ये उसकी फोटो पुरानी है अब ये जो है आ, दूसरा लोगो है अब इसको बताएं ये कौन सा है कुछ पहचान सकते हैं आप जी इसका नाम है अंडर आर्मर अंडर आर्मर आज प्रीमियम टी शर्ट्स स्वेट शर्ट्स की दुनिया में बहुत बड़ा नाम माना जाता है ये उनका हेडक्वार्टर है बाल्टीमोर में और ये शुरुआत कैसे हुई एक यूनिवर्सिटी में फुटबॉलर थे कैलविन प्लैंक कैल्विन प्लैंक एक फुटबॉलर थे अपनी यूनिवर्सिटी की टीम में और कैप्टन थे वहां के इनके साथ दिक्कत क्या थी जब ये मैच खेलने जाते थे उस नब्बे मिनट के मैच में बारह टी शर्ट्स चेंज करनी पड़ती थी इतना पसीना आता था भागने से होता ही है क्योंकि फुटबॉल बहुत ही लोकप्रिय खेल है वहां का और काफी एनर्जी लगती है उसमें तो उसमें दस दस बारह बारह टी शर्ट्स इनको अपने बैग में लेके चलनी पड़ती थी हर खिलाड़ी को तो उन्होंने रियलाइज किया कि ये बड़ी पेन पॉइंट है हमारा कि इसको कैसे इसको ठीक करें तब उन्होंने एक फैब्रिक ढूंढा और उसके बाद वहां पर अपनी टीम के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड में पढ़ते थे ये तब इन्होंने वहां पर एक अपनी टी शर्ट डिजाइन की और कुछ लोगों को बांटी वो सबको बहुत पसंद आई कि पसीना सोख लेती थी वो पसीना होता ही नहीं था तो आप एक ही टी शर्ट से पूरा मैच खेल सकते थे अब इनका रेवेन्यू पिछले साल 5.6 बिलियन था अब इसको करीब 80 से मल्टीप्लाई कर लीजिए आज का जो डॉलर का रेट है वो करीब बयासी रुपए तो चालीस हजार करोड़ की कंपनी हो गई है ये चालीस से पचास हजार करोड़ का इसका टर्नओवर है साल का सिर्फ एक आइडिया कहां से कहां पहुंचा सकता है अब ये देखिए क्या है ये अगला लोगों देखिए इसको पहचानिए जी इसका नाम है कंपनी का एयर बीएनबी और यह इनको हेड क्वार्टर है ब्रैंडमैन स्ट्रीट फ्रेंस फ्रिस्को कैलिफोर्निया में इस कंपनी की शुरुआत कैसे हुई कुछ लोग कैलिफोर्निया में रह रहे थे और वहां पर एक फेस्टिवल होने वाला था और उस फेस्टिवल में जो तीन लोग साथ, साथ जो रह रहे थे फ्लैट में उन्होंने कहा कि हाँ लोगों को जगह नहीं मिल रही है, रहने की होटल खत्म हो गए हैं तो हम लोग ऐसा करते हैं अपने ड्राइंग रूम में ही एक बेड और लगा देते हैं गद्दा डाल देते हैं और लोग ब्रेकफास्ट ऑफर कर देते हैं और उसकी वेबसाइट पर डाल देते हैं कि बेड एंड ब्रेकफास्ट अवेलेबल है हमारे यहाँ के रुको और बीस डॉलर तीस डॉलर जो भी एक प्राइस रख दिया उन्होंने और उसके बाद से उन्होंने ये ऑफर शुरू कर दिया फेबर दो में नाथन ब्रिजिक वैक्स ने जो है चेक्सी के जो फॉर्मर रूममेट थे उन्होंने उनको टेक्नोलॉजी ऑफिसर की तरह ज्वाइन कर लिया तीन फाउंडर हो गए और उन्होंने कंपनी बनाई एयर बी जिसको बोलते हैं जिसका फुल फॉर्म है एयर बेड एंड ब्रेकफास्ट पिछले साल उनका टर्नओवर 8.4 बिलियन डॉलर था 8.4 बिलियन डॉलर्स यानी करीब सत्तर हजार करोड़ रुपए की कंपनी है अभी और जो दुनिया की सबसे बड़ी होटल चेन है ये उसको बीट कर चुके हैं और एक भी होटल इनका अपना नहीं है तो ये नीड है अगर आप देखिए कि लोगों की जरूरत के हिसाब से अच्छा प्रोडक्ट आप बना सकते हैं तो आपकी कंपनी कहाँ से कहाँ उस प्रोडक्ट को इसको बोलते हैं उद्यमशीलता यानी एंटरप्रेनरशिप और यह सिर्फ अमेरिका में नहीं होता हम मैं आपको यहां पर कुछ एग्जाम्पल देना चाहूंगा इंडिया के यंग एंटरप्रेनर्स के इंडिया में भरा पड़ा है हमारे एंटरप्रेनर्स लोगों से सबसे पहला नाम देखेंगे आप अपने स्क्रीन पर तिलक मेहता पंद्रह साल का ये बच्चा है कहां रहते हैं ये भाई साहब बॉम्बे में रहते हैं इन्होंने क्या देखा बॉम्बे में एक सिस्टम चलता है डब्बा वाला डब्बा वाला जो है वो वर्ल्ड का रेनाउंड सिस्टम है और सिख सिग्मा से उसको कंपेयर काफी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ने उसके ऊपर ने और काफी बड़े बिजनेस इंस्टीट्यूट ने उसके ऊपर स्टडी किया है बॉम्बे में लोग बहुत जल्दी दूर से निकलते हैं काम करने और जल्दी निकलते हैं और वो जाते हैं ट्रेन में लोकल ट्रेन में जगह बहुत कम है बहुत भीड़ ज्यादा होती है उनको चढ़ने उतरने में दिक्कत आती है तो वो लोग घर से कुछ ले जाना पसंद नहीं करते वो कहते खाली हाथ जाएंगे और खाली हाथ ही हम ऑफिस से वापस आएंगे तो डब्बा वाला का कॉन्सेप्ट ये है कि जब आप घर से निकलते हैं तो डिब्बा वाला दोपहर में दस ग्यारह बजे आपके यहाँ से डिब्बा लेता है और लंच टाइम तक आपके यहां पहुंचा देते हैं वो लोग उनकी कोडिंग सिस्टम है बहुत बड़ा ग्रुप है वो और एक ही महाराष्ट्र के एक गाँव के लोग हैं वो लोग उन्होंने बहुत उसको तरीके से सजाया सवारा और उस सिस्टम को फुल प्रूफ बनाया इतने लाखों डिब्बे एक्सचेंज होते हैं रोज वहाँ पर और एक भी डिब्बा गलत हाथों में नहीं जाता है इट इज़ एरर फ्री तो तिलक मेहता ने उस बच्चे ने ये देखा कि इनके घर से भी डिब्बा जाता है और उनके यानी जो घर के बड़े लोग हैं उनके ऑफिस तक पहुंचता है तो डिब्बे के अलावा भी हम इनको कुछ भेज सकते हैं तो इन्होंने इस कंपनी बनाई उस आइडिया से पेपर एंड पार्सल्स अपना कोई रिक्वायरमेंट नहीं सिर्फ डिब्बे वालों से बात की कि हम एक आइडिया ले जाना चाहते हैं आप डिब्बे के साथ साथ हम आपको ये चीजें भी दे देंगे आप जा तो वहीं रहे हो तो एक एक्स्ट्रा इनकम आपकी भी हो जाएगी और लोगों का काम हो जाएगा तो तिलक मेहता ने यह कंपनी बनाई और यह कह रहे थे कि आई वॉज थिंकिंग अबाउट दिस फॉर डेज when i saw a dabba wala in my building the idea of paper and parcel stuck i always marvelled the swiftness and the efficiencies of dabba wala's food delivery network and i wondered if network could be used to allow deliveries of non food items also kyunki dabbe wale to sirf ghar khane ka dabba le jate hain और ऑफिस में डिलीवर कर देते हैं वहां से खाली डिब्बा वापस लेते हैं घर पे वापस ले आते हैं तो इन्होंने कहा कि और ये बहुत ही अच्छा आइडिया था भाई एक सिस्टम चल रहा है उसमें आप डिब्बे के अलावा दूसरी चीज़ें भी तो दे सकते हो तो ये वंडरफुल आइडिया सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन देखी उस बच्चे ने और उसने अपना बिजनेस लॉन्च कर दिया तो ये उनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं चाइल्ड ट्रेजडी अवार्ड यंग एंटरप्रेनर अवार्ड तो आप ये देखिए कि हमारे आसपास जो हो रहा है अगर हम उसको ठीक से देखें प्रॉब्लम देखें सॉल्यूशन देखें किसी चीज़ को मॉडिफाई कर सकते हैं तो एक नए बिजनेस आइडिया को जन्म देकर उसको हम बिजनेस में बड़े बहुत बड़े बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं अब दूसरा नाम आपके सामने स्क्रीन पर आएगा यह है त्रिशनीत अरोड़ा फाउंडर एंड सीईओ ऑफ टैक सिक्योरिटी ये भाई साहब क्या थे जब आठवीं क्लास में पढ़ते थे तब से इन्होंने कोडिंग शुरू कर दिया कोडिंग आप भी करते हैं आपके बच्चे भी करते हैं अब कोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आज के समय में हर बच्चे को करनी चाहिए हम हर स्टूडेंट को गाइड करते हैं कि आप को सॉफ्टवेयर में बेसिक कोडिंग आनी चाहिए और बहुत सारे फ्री कोर्सेज अवेलेबल हैं आज आप गूगल गैराज पे जाइए पाइथन का कोर्स ले लीजिए कोर्सेरा पे जाइए वहां से ले लीजिए बहुत सारे फ्री कोर्सेज अवेलेबल हैं जहां पर आप दे सकते हैं तो मेरा मानना यह है कि आज हर बच्चे को कोडिंग सीखना जरूरी है क्योंकि हर बिजनेस में हर जहां भी जॉब करेंगे उनको कोडिंग में कहीं ना कहीं पाला पड़ेगा एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव बेसिक नॉलेज ऑफ कोडिंग ये भाई साहब जब छोटे थे तो ये इतना डूब जाते थे कोडिंग करते करते कि एक बार इन्होंने अपना पेपर देना ही भूल गए एग्जाम का और एट्थ स्टैंडर्ड में फेल हो गए और इनको अवार्ड मिला है कि उस पैशन के लिए जो इन्होंने कंपनी बनाई है इन्होंने बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं इनको तो एक चीज जो आप छोटी सी कर सकते हैं कंप्यूटर से क्योंकि आपको कंप्यूटर अच्छा लगा आपने उसमें देखा और उससे बिजनेस क्रिएट कर दिया कुछ कोडिंग करके एक कोडिंग में ही एक और ये देखें, एक और आपके सामने है ये छोटी बच्ची है इसने चार साल की उम्र से क्योंकि घर में कंप्यूटर था घर में कोडिंग करते थे पेरेंट्स बच्चे ने भी सीख लिया बहुत आसान है पाइथन सीखना दूसरी चीज़ें भी अच्छी हो सकती हैं इन्होंने चार साल की उम्र में शी सेज शी स्टार्टेड कोडिंग एट द एज ऑफ फोर और छः साल की उम्र में इन्होंने अपनी खुद की वेबसाइट डिज़ाइन कर ली जब वो छः साल की बच्ची थी अपने स्कूल के लिए वेबसाइट डिजाइन की और 11 साल की उम्र में इन ये दो कंपनियां लॉन्च कर चुकी हैं तो शी इज सपोज टू बी द यंगेस्ट एंटरप्रेनर इन द कंट्री तो ये अब देखिए कि आप कैसे बन सकते हैं एंटरप्रेनर हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं जो हम आपको दिखाना चाहते हैं कि आपको एंटरप्रेनर बनने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए सबसे पहले अपने दिमाग को खुला रखें अपनी आंखें खुली रखें अपने कान खुले रखें और ये देखिए कि आपकी सोसाइटी में कोई चीज ऐसी है जो आपको डिस्टर्ब कर रही है मैं सबसे पहली बात जब मैं स्कूल में जाता हूँ बच्चों से पूछता हूँ कि कितने बच्चों को दिक्कत होती है सुबह बेड से निकलने में जब सुबह सुबह निकलते हैं तो 98 टू 99 नाइन परसेंट इस रिस्पॉन्स होता है यस कि सर हमें बिस्तर में सुबह उठने में नींद से जब उठते हैं तो बिस्तर से निकलने में बहुत दिक्कत आती है तो क्या आप उसके लिए कुछ ढूंढ सकते हैं सॉल्यूशन सॉल्यूशन पॉसिबल है हाँ है पूरी दुनिया में क्या यह प्रॉब्लम है हाँ पूरी दुनिया में प्रॉब्लम है सभी स्कूल के बल्कि एडल्ट्स के साथ भी प्रॉब्लम है बच्चों के साथ भी नहीं अब ये देखिए बहुत सारे लोगों को थोड़ा सा सुबह उठ निकलने में बिस्तर से दिक्कत होती है तो अब ये पेन पॉइंट हो गया कि यह भाई कि ये हमारा ये पेन पॉइंट है जिसकी वजह से सब लोग डिस्टर्ब होते हैं क्या प्रॉब्लम है अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें क्या इसके लिए सोचा जा सकता है आइए ब्रेन करते हैं ब्रेन करने के बहुत सारे तरीके हैं मेथोडोलॉजी आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे गूगल करेंगे तो ब्रेन के तरीके मिल जाएंगे आपको अब ये देखिए अगर ब्रेन करके हम उसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं कुछ दोस्तों से कुछ रिश्तेदारों से बातचीत करके एक एक्सपेरिमेंट करके एक, 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 एक आइडिया निकल आता है अब उस आइडिया से देखिए अपॉर्चुनिटी बड़ी है बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है अगर आप कोई प्रोडक्ट या सर्विस इससे रिलेटेड निकाल देते हैं एक प्रॉब्लम से रिलेटेड तो देखिए कितना बड़ा बिजनेस हो सकता है तो मैं आप सभी को जहां भी हैं आप अपने आसपास देखिए क्या चीज तंग कर रही है कोई चीज आपकी जिंदगी में परेशानी ला रही है कहां पर पेन पॉइंट है आपका उस समस्या का सॉल्यूशन ढूंढने में लग जाइए फिर देखिए आसपास के लोगों को भी सिर्फ आप ही को समस्या है बहुत सारे लोगों को समस्या है तो इसका मतलब वहां पर एक जरूरत है उस समस्या को दूर करने की तो हम क्या कर सकते हैं यहां से आपकी जर्नी शुरू होती है एंटरप्रिनरशिप की कि आपने सॉल्यूशन ढूंढना शुरू किया और आपने एक स्टार्टअप शुरू किया अब स्टार्टअप में और नॉन स्टार्टअप में क्या फर्क है स्टार्टअप जो होता है वो एक छोटी कंपनी जिसको हम बोलते हैं शुरुआत कर रहे हैं बिजनेस की वो बहुत हाई रिस्क होता है जबकि नॉन स्टार्टअप बिजनेस जो कि ऑलरेडी चलते हुए जैसे दुकान खोल ली आपने आपने किरियाने की दुकान खोल ली वो भी एक बिजनेस है लेकिन वो लेस रिस्की है और स्टार्टअप में क्या है बहुत हाई ग्रोथ है नॉन स्टार्टअप में क्या ऑलरेडी कई प्लेयर हैं किरियाना के अगर आपको ग्रोसरी शॉप अपने खोल ली अपनी लोकैलिटी में और आसपास भी कई शॉप्स हैं तो मार्केट ग्रोथ लिमिटेड है उसमें स्कोप है तो धीरे धीरे ग्रोथ होगी अब आप स्टेटस को डिस्टरप्ट कर देते हैं जो एक सिस्टम चल रहा है उसको आपने तोड़ दिया और एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया जबकि नॉन स्टार्टअप में ऐसा कुछ नहीं होता कि आप क्योंकि वो बिजनेस उस तरह से चल रहे हैं तो आप भी बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं उसी तरह के बिजनेस आपने शुरू कर दिया देखा देखी टेक्नोलॉजिकल और फोकस इनोवेशन पर ज्यादा फोकस होता है जबकि नॉन स्टार्टअप में फिजिकल और एसेट्स पे फोकस होता है कि भाई सब पैसा कितना लगेगा एसेट कहां बनाए लोकेशन कौन सी ढूंढे वगैरह वगैरह और स्टार्टअप जो है इट्स हार्ड टू कॉपी इजी नहीं है क्योंकि मार्केटिंग पता नहीं है उसके बारे में नॉन स्टार्टअप जो है कि दूसरे का देखा देखी आप कॉपी कर लेते हैं तो वो दूसरा बन जाता है तो आप ये देखिए स्टार्टअप रिस्की है लेकिन उसकी ग्रोथ बहुत ज्यादा फास्ट होती है बहुत बहुत हाई होती है तो जो जितना रिस्क टेकिंग एबिलिटी होती है उतने उसके रिजल्ट भी होते हैं तो ये हम मान के चलते हैं अब इंडिया की ग्रोथ स्टोरी देखते हैं जब मैंने बिजनेस लॉन्च किया था तब शायद स्टार्टअप बोलते ही नहीं थे उन्नीस में उन्नीस दशक तक हमारे को यही नहीं पता था हम तो कहते थे बिजनेस शुरू किया कोई छोटा बिजनेस हालांकि आइडियाज़ भी अलग थे जो मैंने पहली बार लॉन्च किया डिस्काउंट कार्ड लॉन्च किया था दूसरी बार ब्लू के ब्लू बुक लॉन्च की थी जो कि येलो पेज ब्लू पेजेस उस तरह से अलग अलग चीज़ों में जो कि इट वाज वन ऑफ इट्स काइंड अभी भी बहुत सारे आइडिया जब मैंने एमबीए कॉलेज से पास आउट किया था तो मैंने दस आइडियाज लिखे थे जो उस समय एग्जिस्टेंस नहीं था जिनका कि यह मार्केट वैल्यू हो सकती है ये मेरे को फायदा हुआ था अच्छी जगह पढ़ने का तो दस आइडियाज में से एक मैंने सोचा था एक वेबसाइट में बनाऊंगा हुआ जिसका नाम रखूंगा पंडित जी डॉट कॉम उससे में मेट्रीमोरियल वेबसाइट नहीं हुआ करती थी नाइनटी थ्री में और आज देखिए मेट्रीमोरियल वेबसाइट्स कितनी सारी हैं तो वहां स्कोप था और बहुत सारी चीजें हैं जो आपको नई ढूंढनी है और उसी तरह से बहुत सारी नीड्स आप लेकर आएंगे अभी भी मेरे पास बहुत सारे आइडियाज है जो अभी तक लॉन्च नहीं हुए जो मैंने उस समय 1993 में लिखे थे में, में जब एमबीए से पास आउट किया था मैंने तब तो वो आइडियाज की कॉपी मैंने डायरी अभी भी रखी हुई है संभाल कर अब हम इंडिया की ग्रोथ स्टोरी देखते हैं कि इंडिया में कितना ग्रोथ हुआ है 2011 में पहला यूनिकॉर्न बना था पहला यूनिकॉर्न मतलब यानी कि एक कंपनी जिसका नाम है इनमोबी इन मोबी वॉज द फर्स्ट यूनिकॉर्न इन द कंट्री और उसका क्रॉस हुआ था वन बिलियन डॉलर वैल्यूएशन, और इतफाक से वो उसकी वैल्यूएशन आज भी शायद उतनी ही है लेकिन उसके बाद 109 सौ नौ यूनिकॉर्स और लॉन्च हो गए अभी तक मैं अभी इस महीने तक की बात कर रहा हूं 110 जिनकी वैल्यूएशन एक बिलियन से ज्यादा है और उन टोटल वैल्यूएशन जो है उनकी तीन सौ पैंतालीस तीन सौ सैंतालीस बिलियन की यानी साढ़े तीन आ, अरब से ज्यादा की वैल्यूएशन अब यूएस डॉलर में तो अभी हमारी शुरुआत हो रही है अभी हम जागे हैं इंडिया जैसा कंट्री जहां पर करीब करीब एक सौ पचास करोड़ की आबादी है हमारे यहां बहुत स्कोप है इतने सारे दिमाग हैं इतना सारा यंग हमारे यहाँ यूथ है आप जैसे लोग हमारे देश में जब पढ़ाई कर रहे हैं अच्छी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई कर रहे हैं और आगे बढ़ने की इच्छा रखते हैं क्षमता रखते हैं आपको उद्यमशीलता पसंद है तो ये देश तो बहुत आगे जाने वाला है हम कुछ ही सालों में नंबर तीन पर आ गए हैं पूरे विश्व में वी आर नंबर थ्री इन द वर्ल्ड इन इन टर्म्स ऑफ प्रोड्यूसिंग यूनिकॉर्न्स तो ये जर्नी अभी शुरू हो रही है हम थोड़े ही दिन में अमेरिका को भी बीट कर देंगे इसमें इतनी सारी फंडिंग आ रही है हमारे पास इतने सारे लोग बाहर से आकर फंडिंग कर रहे हैं जापान से आकर फंडिंग कर रहे हैं या अमेरिका से कर फंडिंग कर रहे हैं मेरी कंपनी को तीन चार अलग अलग जगह से फंडिंग, मिली थी जब मैंने पहले जब हमने फंडिंग के लिए मार्केट अगर आपके पास आइडिया है आपके पास वर्केबल मॉडल है तो हम उस चीज को आगे ले जा सकते हैं और गवर्नमेंट आज बहुत सारी जगह सपोर्ट कर रही है अटल जी, जी की नाम पर एक हमने मिशन शुरू किया हुआ है हर यूनिवर्सिटी में मिल जाएगा स्कूल्स में मिल जाएगा लैब्स अटल लैब्स के नाम से मिल जाएगा जहां पर आप इनोवेशन कर सकते हैं आई में अच्छी यूनिवर्सिटीज में जितनी हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है सब जगह इनक्यूबेशन सेंटर्स लॉन्च किए गए हैं सरकार की तरफ से बहुत ज्यादा सपोर्ट है स्टार्टअप सिस्टम को आप आइडिया लाइए कुछ करके दिखाइए मिनिमम वायबल प्रोडक्ट एम लॉन्च कीजिए और आपको पैसे देने के लिए तैयार है सरकार सिडबी से जो कि गवर्नमेंट का बैंक है स्मॉल इंडस्ट्रियल बैंक जिसको बोलते हैं आई का छोटा फॉर्म छोटा भाई वो आपको दो करोड़ रुपए तक का नॉन कोलेट्रल नॉन जिस पर आपको गारंटी नहीं देनी पड़ती आपको अपना घर गिरवी नहीं रखना आपको अपना बैंक में कुछ गारंटी नहीं देनी नॉन कोलेट्रल लोन आपको मिल जाता है बहुत ही इजी टर्म्स पे तो ये इनक्रेजमेंट है ये प्रोत्साहन दे रही है सरकार हमारी कि आइए आपके पास अपॉर्चुनिटी है आपके पास आइडिया है तो आप आकर यहां देखें और इससे भी छोटा है अगर बहुत ही छोटे लेवल पे है तो मुद्रा लोन अवेलेबल है वो काफी छोटे और जो गाँव देहात में बहुत ही छोटा काम कर रहे हैं उनके लिए अवेलेबल मिल जाता है तो हमारी स्टोरी तो ग्रोथ की अभी शुरू हो रही है तो आप आगे आने वाले समय में देखेंगे कि हम कितना आगे बढ़ेंगे इसके आ, साथ साथ अगर हम देखें तो हमारे पास बहुत सारे स्टार्टअप आइडियाज हैं और कौन से आइडियाज सही लगे गलत लगे वट अपॉर्चुनिटीज एग्जिस्ट दैट हैज नॉट बीन एक्सप्लॉयटेड अब आप देखें कि कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं किसी चीज को अब आप आप, देखें जो ऑनलाइन डिलीवरी सर्विसेज है खाना तो पहले भी बन रहा था रेस्टोरेंट्स पहले भी थे और रेस्टोरेंट्स क्या करते थे आप फोन करते थे रेस्टोरेंट को हमारे घर डिलीवरी कर दो वो डिलीवरी भी कर देते थे अब ऐप जो कि जोमेटो ने लॉन्च किया या स्विगी ने लॉन्च किया इन सबसे क्या है आपके पास चॉइस आ गई है आप करीब करीब दस किलोमीटर रेंज तक में चौदह किलोमीटर में अठारह किलोमीटर की रेंज में भी और कुछ जगह तो ऐसी भी है जो उनके स्पेशल मॉडल्स हैं आप दूसरे शहरों से भी वहां की स्पेशल मिठाई अपने यहां मंगवा सकते हैं तो अपॉर्चुनिटी तो पहले भी थी तब आप कोई रिश्तेदार आ रहा होता था उससे बोलते थे भाई साहब वहां से आ रहे हैं ये मिठाई बड़ी अच्छी है कलकत्ता की के, संदेश लेते आइएगा मथुरा से पेड़े लेते आइएगा आगरा का पेठा लेते आइएगा तो ये चीज़ें पहले भी बहुत अच्छी थी तब आप किसी रिश्तेदार से मंगवाते थे दोस्त भाई कोई गया हुआ है वहां पर कोई जान पहचान के कोई लिख गए हुए हैं उनको बोल देते थे भाई सब बहुत दिन हो गया मिठा, वो मिठाई खाए लेते आई अब आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं चौबीस घंटे के अंदर वो आपके पास आ जाएगी तो ये छोटा सा चेंज उस चीज को रिकोगनाइज करना हमें कि क्या, क्या ये मार्केट एग्जिस्ट करता है क्या ये वैल्यू ला सकता है हमारी जिंदगी में हमारे इस मार्केट में और हम इसको रीप्रपोज कैसे कर सकते हैं अगर ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता खाना तो पहले से बन रहा था मिठाइयां पहले से बन रही थी अब आपके दरवाजे पर लाने का काम किया है जोमेटो स्विगी जैसे एप्लीकेशन ने छोटा सा एप्लीकेशन बनाया तो क्या आप इस तरह की कोई चीज ढूंढ सकते हैं जोर लगाइए दिमाग पर बहुत सारी चीजें हैं अनेक अनेक अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं फिर उसको एनालाइज कीजिए कि, कि किस अपॉर्चुनिटी की कि जो आप आइडिया हैं ये सोच रहे हैं ये क्या वैल्यू लाएगी लोगों की लाइफ में जो आपकी ऑडियंस है टारगेट ऑडियंस है उनकी लाइफ पे क्या वैल्यू लेकर आएगी अब हाउ कैन यू रीप्रपोज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मॉडल को कैसे चेंज कर तो हम थोड़ा ब्रेक लेंगे अभी बिल्कुल वी आर गोइंग टू टॉकिंग मोर थैंक यू